बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट के साथ मैं मुनाही चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी का मसला जो है वो कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है जिससे पूरा पाकिस्तान ही मुतासिर होता है। और जब मैं इस प्रोग्राम के हवाले से रिसर्च कर रही थी तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मैंने देखी जिनसे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो आबी ज़खायर हैं वो बड़े तशवीशनाक हद तक कम होते जा रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो पाकिस्तान में सरफेस वाटर है वो 153 मिलियन एकड़ फुट है, जबकि ग्राउंड वाटर जो हमारे यहाँ मौजूद है वो 24 मिलियन एकड़ फुट है। लेकिन 2025 तक बताया ही जा रहा है कि 33 मिलियन एकड़ फुट इसमें किल्लत हो सकती है, यानी पानी की कमी का सामना हमें हो सकता है। यहाँ पर यह भी बात करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, सातवें नंबर पर है उन ममालिक में जहाँ पानी की शदीद कमी का सामना है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान सातवें नंबर पर आता है, तो इसे आप खुद अंदाजा कर लें कि सूरत हाल कितनी संगीन है। और इस हवाले से हम क्या काम कर रहे हैं इस पर भी हमें नजर दौड़ानी होगी। पिछले दिनों हमारे यहाँ नेशनल वाटर पॉलिसी मंजूर हुई है, तो हम जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको आगाह भी करेंगे कि उसके हदोफाल हैं क्या और किस हद तक उस पर अमल दरामद हो सकता है। हमारे यहाँ कवानीन तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, पॉलिसीज भी आ जाती हैं, लेकिन जब अमल दरामद की बात होती है तो फिर वहाँ बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम कहेंगे इसको भी डिस्कस करें। और एक तरफ जब भारत इस वक्त किशन गंगा डैम को उसका इफ्तिताह कर रहा है, दूसरी तरफ हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारे यहाँ क्या मसाइल हैं, हम क्यों इन चीज़ों को तरजीहात में शामिल नहीं कर रहे हैं। और खास तौर पर हमें ये भी सोचने की जरूरत है क्योंकि इलेक्शन अब करीब है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं तकरीबन 2-2.5 माह तक, तो हमारी जो सियासी जमातें सामने आ रही हैं क्या उनके मैनिफेस्टोस में वाटर सिक्योरिटी के हवाले से इस एजेंडे को शामिल किया गया है, इस पर भी वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आवाम होने की हैसियत से आपका यह हक है कि आप इस पर आवाज उठाएं और आप ये जानने की कोशिश करें कि इस वक्त तरजीहात में वाटर सिक्योरिटी किस नंबर पर शामिल है। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस वक्त जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहती हूं कि उनका तारुफ आपसे करवा दूं और उसके बाद फिर जो सवाल आपके होंगे वो भी हम शामिल करेंगे और खुद भी इस पर हम सरहसल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मिस्टर हसन मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चांसलर हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। बल्कि यहां पर मैं ये भी बताती चलूं कि हम आज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं और ये तमाम सर इंतजाम जो हैं ये चांसलर साहब ने करवाए हैं, आपने हमें फैसिलिटेट किया, इसका भी बहुत शुक्रिया। और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूथ को इस अहम मसले की तरफ लेकर आने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या एग्जाम है। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, आप रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और मेरी बाई तरफ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और इनके साथ मौजूद हैं मिस सायशा इमरान साहिबा, आप सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं नेशनल रेफरेंस वाटर क्वालिटी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले हसन साहब की तरफ चलते हैं, ज्यादा मस्बत तरीके से इनको इन्वॉल्व करने के लिए मेन स्ट्रीम में, और खास तौर पर जब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान का, तो किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी यूथ को इंगेज कर सकते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और फिर दूसरा अवेयरनेस, और लोगों को फिर आगे बताना कि ये इतना बड़ा मसला है इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? आपने अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थर्टी ईयर्स की एज तक जो यूथ है हमारी, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और यकीनन यूथ हमारी पाकिस्तान के लिए ऐसा है। मैं छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ, ये तकरीबन 15 साल पुरानी बात है और मेरा छोटा बेटा अपने कायल वो आई थिंक सेकेंड ग्रेड में था या थर्ड ग्रेड में था, तो मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए सिंक के सामने खड़ा चेंज कर रहा था और मुझे शर्म आती है बताते हुए कि वो पानी का जो नलका था वो खुला था और वो चेंज, तो मिसाइल आया और उसने कहा कि पापा ये आप पानी जाया कर रहे हैं, जब आप शेव कर रहे होते हैं रेजर को
استعمال کرتے ہیں تو آپ پانی بند کر دیں یا اس کو دوبارہ نیلا کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ کھول لیں. اور یہ جو مثال 3 سال کے بچے نے مجھے گائیڈ کیا تھا وہ آج بھی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, ہم عمومی طور پر شاید اس پروگرام میں بھی کچھ حد تک بات کریں گے اور کریٹیسائز بھی کریں گے کہ میکرو لیول پہ ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا, ایکسپورٹس کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا. اب میرے نزدیک پاکستان میں ہمیں گلے شکوے کی جگہ خود اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے میری تو اس سے یہ گزارش ہوگی, ہمارے یہاں پہ ڈائریکٹر جو اسٹوڈنٹ سروسز مینیجر اسٹوڈنٹ سروسز کی تشریف رکھتے ہیں, یوتھ کی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتے ہیں, ایک تو میرا میری چاہت یہ ہوگی کہ ہم اپنے یوتھ ویک میں واٹر کنزرویشن کو ایز این ایجنڈا اور ایز اے تھیم شامل کریں, اور اس میں آپ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کریں, پروجیکٹس لے کر آئیں, مے بی پروسیس لے کر آئیں, ہمیں ایڈوائز کریں. ایز اے چانسلر آئی تھنک آئی وڈ لک فارورڈ ٹو یور انگیجمنٹ, رادر دین آپ چانسلر سے ایڈوائز لیں, آئی وڈ لائک یور ایڈوائز کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں اپنے گھروں میں کیسے پروڈکٹیو سٹیزنز کے طور پر پانی کو کنزرو کریں. سو آپ گائڈ کریں, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ مے بی تھوڑی سی ایک ٹاسک فورس بنائیں. ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے سبسٹر پہ پرومس کرنا چاہتا ہوں, اٹ گوز آن دا نیشنل لیئر سو سڈنلی اٹ ہیز ٹو بی آنرڈ. ہمارے انفارچونیٹلی بٹ وی ہیو ٹو کریکٹ دس, جو فلش ہے وہ سنگل فلش سسٹم ہے جو ڈبلیو سی پہ یوز ہوتا ہے, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ واٹ یو ول ڈو از دیٹ ان نیکسٹ فیو منتھس ہم اپنی تمام یونیورسٹیز کے فلشز کو وہ ڈیول فلش سسٹم میں کریں گے, تو جس میں آپ کم مقدار میں چوائس ہوتی ہے استعمال کرتے وقت, شاید آپ نے اسٹوڈنٹ سے بھی دیکھا ہوگا جس میں آپ ایک چوتھائی پانی یوز کرتے ہیں. ایک دفعہ 10 years ago آئی واز ان لنڈن, تو ان کی میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس میں انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر آج کے دن لندن میں تمام لوگ جو فلش کو یوز کریں گے وہ فل فلش کی جگہ یہ جو کم استعمال والی چوائس کریں گے تو 1,000 بوگیاں جو اس ٹرین کے مطابق پانی لندن کا سیف ہوگا. سو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے پرومس آئی وڈ لائک ٹو میک. یہی تو اویئرنیس کی بات ہے جو ہمارے یہاں ہم لیک کرتے ہیں, جہاں پر ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. حسن صاحب نے بڑی اچھی جس طرح سے بات کی کہ روزمرہ کے استعمال کا جو پانی بھی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو سوچ لیں اور کم مقدار میں استعمال کریں تو بہت سارا پانی بچایا جا سکتا ہے. اور اتنے جو ہمارے مسائل ہیں گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس پر بھی ہم بات کریں, لیکن بحثیت ایک انسان آپ کا کیا فرض بنتا ہے اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اس پر بھی میں چاہوں گی کہ بڑا اچھا انہوں نے اینگل ہمیں دیا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں, ہماری جو اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر عبد المجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں, چیلنجز کیا ہیں, گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا ہمیں کہ آپ لوگ کس طرح سے واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, پانی کی کمی کا اس وقت ہمیں جو سامنا ہے کیا اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ ایکو سسٹم کی بھی پانی کی ضرورت ہے, ناٹ اونلی ہیومن بینگ, لائف اسٹاک, جانور, چرند, پرند, حشرات الارض, سب کو پانی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پودوں کو ضرورت ہے, جنگلات کو ضرورت ہے, یہ سارے کے سارے لیونگ بینگز ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایکو سسٹم کیوں امپورٹنٹ ہے واٹر سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے. ویسے واٹر سیکیورٹی اگر یہ سمجھے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ انشور کرے گی, دیٹس ناٹ پاسبل. اس کو سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں, وہ بڑی حسن صاحب نے شروع میں ایک بات بڑی اچھی کی کہ ہم اپنے ڈیمانڈس کو کم کریں اور اس طریقے سے واٹر سیکیورٹی انشور ہو سکتی ہے ایک لمٹ کے اندر. چونکہ جب تک آپ اپنی ڈیمانڈ کم نہیں کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب بعد میں بات کریں گے آپ سے کہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا کس طرح پانی ناجائز طور پر ضائع کر رہا ہے, تو واٹر سیکیورٹی انشور ہوگی جب تک آپ اپنی یہ عادتیں ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے ڈیمانڈ کو کم نہیں کریں گے اور چیزوں کو. ایکو سسٹم کی جو بات ہے, چونکہ میرا تعلق اتفاق سے ایسے ادارے سے ہے which is called IUCN, International Union for Conservation of Nature,
और ये कंजर्वेशन करती है नेचर की, यानी एनवायरमेंट की, नेचर की, नेचर के लिहाज से. तो उसको देखते हुए मैं थोड़ा सा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है क्या, एक बड़े सिंपल टर्म में इट्स ए कम्युनिटी. कम्युनिटी किस चीज की है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जब इंटरेक्शन होती है तो वो जो कम्युनिटी के जो माहौल बनता है वो सारा इकोसिस्टम है. जैसे अगर एक इकोसिस्टम है, जैसे डेजर्ट का ले लें आप, डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स सैंड है और वहां पे जो छोटे मोटे पौधे उगते हैं, कुछ और है, वो सारे उसके साथ कुछ लोग रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी वहां पे होती है, तो वो एक इकोसिस्टम है. तो इकोसिस्टम की जो आप पूरी करेंगे डिमांड्स को, वो कैसे पूरी करनी है, वाटर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है उनके लिए, और इसी तरह जो हमारे पीने का पानी को कैसे इंश्योर करना है, इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में ये चीजें सामने आएगी. तो ठीक है, यानी मसाइल का सामना तो है, लेकिन इन मसाइल पर किस तरह काबू पाया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे. अभी मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अशफ साहब की तरफ चलते हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो मंजूर कर ली गई है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि उसके खदोखाल हैं क्या. मैंने पहले भी बात की थी कि मसला वहां पर आ जाता है जब अमल दरामद की बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तो वहां पर हम बहुत पीछे रह जाते हैं. लेकिन अभी तो ये जानना जरूरी है कि उसके खदोखाल हैं क्या, हम उसे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं. जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है, ये आपने अक्सर सुना होगा. और ये इस वक्त मोर देन 200 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसको ये फीड कर रहा है, और ये फीड भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है. ये नहीं है कि खुदाना खास्ता कि जब हम बात कर रहे थे कि इसका ताल्लुक जो है पानी का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ है, पानी का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ है. तो फॉर्चुनेटली इसने हमें फूड सिक्योरिटी भी दी है और हमें पार्टली हमने इसने एनर्जी सिक्योरिटी भी दी है. ठीक है, बड़ा सिस्टम है. और इस वक्त भी अगर आप देखें तो हमारे पास शुगर जो है वो हमारे पास सरप्लस है, वीट हमारे पास सरप्लस है, राइस हमारे पास सरप्लस है, एंड किसी चीज में अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है. वो इस सिस्टम की वजह से है, ये दुनिया का बड़ा सिस्टम है. लेकिन इसके बावजूद कि हमारे पास दुनिया का बड़ा सिस्टम है, था हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, कोई वाटर पॉलिसी नहीं थी, नेशनल वाटर पॉलिसी नहीं थी 70 सालों में. और जो वाटर पॉलिसी होती है ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है. पॉलिसीज बेसिकली आपको कुछ चीजें करने पे फोर्स करती है, मजबूर करती है, मजबूर करती है. ठीक है, तो ये लकीली आप देखें कि 70 साल के बाद 24 अप्रैल को ये CCI में, काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट में ये अप्रूव हुई है. उसके जो मेन फीचर्स हैं, सबसे पहले तो मेन फीचर है जैसे आपने भी बात की, डॉक्टर मजीद ने बात की, कि हमारे पास पानी की शॉर्टेज है. ठीक है, जो शॉर्टेज हमारे पास 2004 में 11% थी, इट विल इंक्रीज टू 31% बाई द ईयर 2025. जब मैं 31% का कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त 2025 में हमारे पास 18 मिलियन एकड़ फीट की शॉर्टफॉल होगी. तो यहां आप समझ लीजिए कि हमारे जो तीन रेजरवार हैं, बड़े रेजरवार हैं, करबेला, मंगला और चश्मा, ये टोटल हमें स्टोर करते हैं 15 मिलियन एकड़ फीट. 15 ये टोटल स्टोर करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये शॉर्टफॉल होगी वो 18 मिलियन एकड़ फीट होगी बाय द ईयर 2025. तो पहली तो बात है कि ये पॉलिसी हमें ये बताती है कि इसको हमने ये गैप जो है बिटवीन वाटर डिमांड और सप्लाई उसको किस तरह से मीट करना है. और उसमें उन्होंने हमें माइलस्टोन दिया है कि 2030 तक हम 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूजर है वो ग्राउंड वाटर है, जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. और आपको पता है कि पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर जो है ये नो मैन लैंड है, हर बंदे की एक प्रॉपर्टी है. कोई क्योंकि ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, हर बंदा ही कैन इंस्टॉल ट्यूबवेल एट एनी वेयर एनी प्लेस एंड ही कैन पंप एनी अमाउंट ऑफ वाटर. इसी वक्त भी जितना जहां पर चाहें आप ट्यूबवेल लगा सकते हैं और जितना पानी चाहे पंप कर सकते हैं. और उसके सामने मिसाल है आपकी कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना पानी पंप कर रही है, आपके ग्राउंड वाटर को पंप करके आपकी वो पानी जो है ना वो बेचा जा रहा है दूध के भाव पे, ऑलमोस्ट बेचा जा रहा है बोतल वाटर जो आपको मिलती है. तो उसकी वजह से ये हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोयटा वैली में अगर आप देखें तो वहां पे तकरीबन 6 मीटर पर ईयर तक पानी जो है वो डिप्लीट कर रहा है. आप सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें, यहाँ पे 0.5 मीटर पानी जो है वो डिप्लीट कर रहा है.
तो वहां पे एक जो उसका एक नेक्स्ट फीचर जो है कि वहां पे ये कहा गया कि हम एक तमाम सूबे जो है वो ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। ठीक है सही। उसके अलावा एक हमारे पास बड़ा रिसोर्स है जिसको हम हिल टॉरेंस कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये 18 मिलियन एकड़ फीट का पोटेंशियल है हमारे पास जो अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज ना होने की वजह से जाया होता है। तो वो एक उसमें एक फोकस किया गया कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए से वो जो हिल टॉरेंट्स का पानी जाया होता है उसको महफूज करेंगे। उसके अलावा जो मैक्सिमम दस्ताव ने बात की, हमारा जो पानी टोटल पानी है उसका मोर देन 93% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। अच्छा, अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें पानी भी सबसे ज्यादा यूज होता है लेकिन इसके अंदर वेस्टेज भी सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स से सिंक तक आपकी जहां से आप बराज से पानी देते हैं और जहां पे आप फील्ड में इस्तेमाल करते हैं वहां तक जाते जाते मोर देन 60% जो है वो सिस्टम के अंदर लॉस कर जाता है। तो इसको जब हम क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं तो ये 60 मिलियन एकड़ फीट बनता है। ठीक है, 60 मिलियन एकड़ फीट बनता है। तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर आप 1 मिलियन एकड़ फीट पानी को सेव करते हैं तो यू आर सेविंग $1 बिलियन। ठीक है, तो अगला जो फोकस दिया गया है वो इसमें दिया गया है कि हम जो लॉसेज हैं उसमें 33% लॉसेज जो हमारे कनाल सिस्टम में आते हैं और 33% लॉसेज जो हमारे फील्ड में जाके आते हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे बाई 2030। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा कि तीनों इश्यू जो है, एक जो आपका डेवलपमेंट का इशू है आपने स्टोरेज रिजर्वर बनाना है, दूसरा आपका गवर्नेंस का इशू है आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, तीसरा मैनेजमेंट का इशू है जो मैंने कहा कि जो लॉसेज हो रहे हैं उसको आपने रिड्यूस करना है। तो वाटर पॉलिसी ने इन तमाम के ऊपर फोकस किया है और उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वाटर में आपने बात की है, हसन साहब ने बात की, हमारे सबसे जो घरों में पानी आता है ये सबसे प्रीशियस वाटर होता है। क्योंकि आप कभी इमेजिन करें कि जो पानी आपके टैब में आपके पास आता है वो कहाँ से चलता है, कहाँ कहाँ पे उसको पंप किया जाता है, कहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, क्लोरिनेशन की जाती है, आपके घरों में आता है और घर में आने के बाद बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि हमें पानी की अहमियत का अंदाजा नहीं पता, अहमियत का अंदाजा नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी के साथ हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो टूटी खुली हुई होती है, शेव कर रहे होते हैं टूटी खुली हुई होती है, इवन वजू कर रहे होते हैं तो टूटी खुली हुई होती है। तो जिसकी वजह से वो एक प्रीशियस वाटर, बड़ा कीमती वाटर है, जो जिसकी मैं उसके बाद में आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा कितना ये पानी कीमती है कि अगर एक गिलास पानी आपके पास ना हो, ठीक है, तो आप अंदाजा कर लीजिएगा कि आप जिंदा रह सकते, कितनी देर तक आप जिंदा रह सकते हैं। तो वो पानी हमारे पास आता है और उसको हम बड़ी आसानी के साथ जाया कर देते हैं, गाड़ियां उसी के साथ पीने वाले पानी के साथ गाड़ियां धो रहे होते हैं। तो उसमें हमें बेसिकली एक जो हैबिट्स है उसको चेंज करने की जरूरत है और उसमें उसकी वजह यह है कि बेसिकली हमारा जो सिस्टम आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, हमें जो पानी सिस्टम में दिया जा रहा है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ने यह कहा है कि नेशनल वाटर पॉलिसी में कि ग्रेजुअली हम तमाम हाउस होल्ड को मीटर पर लेके आएंगे। तो जब आप मीटर पर ले आएंगे तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि यू कैन नॉट मेजर द थिंग, यू कैन नॉट मैनेज इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मेजर करें और उसके बाद मैनेज करें। आपको पता होगा कि मैं मेरे घर में कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है। जापान की एग्जांपल मैं देता हूं, सर ने बात की है इंग्लैंड की, जापान में जो पानी आपके घर में आता है उसको भी मेजर किया जाता है कि आप कितना पानी यूज कर रहे हैं और जो आप वापस वेस्ट कर रहे हैं जो सिस्टम में जा रहा है उसको भी वो मेजर करते हैं। जो पानी आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ता है, जो पानी आप जाया करते हैं उसके ऊपर भी आपको करना पड़ता है। क्योंकि एक आप पानी जाया कर रहे हैं, दूसरा उस पानी को ना सिर्फ जाया कर रहे हैं आप उसको वेस्ट वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो वेस्ट वाटर आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी नक्सल में यह है कि एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है और बड़े अरसे के बाद हमने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो देखा है। 70 साल के बाद 41 सफात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और हम इससे कितना फायदा उठा सकते हैं फ्यूचर में, इस पर हम बात करेंगे कि मसाइल क्या है। थोड़ा सा हम कहेंगे कि बाद में इस पर भी आए डॉक्टर हमें आगाह करेंगे इससे। अभी सायता साहबा की तरफ जाते हैं। सायता साहबा हमें बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो पानी की जो वाटर, इन्होंने बॉटल वाटर की बात की है, पानी की जब हम बात करते हैं तो साथ ही साथ पीने के साफ पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर भी बात होती है और हमारे यहाँ वो पानी खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। जो वाटर बॉटल्स हम बाहर से खरीदते हैं, मिनरल वाटर के वाटर जिसे बोला जाता है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इसको रेगुलेट करने के लिए क्या कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है, आपका इदारा इस हवाले से जिस पर काम कर रहा हो, किस तरह से इंश्योर किया जाए कि ये जो पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिसकी वो कीमत भी अदा कर रहे हैं तो वो पानी सही है पीने के लिए?
सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी प्रोविजन के लिए बेसिकली, तो आपको पता है अगर हम हमने जो नेचर किया है पूरे पाकिस्तान में, हमारा मॉनिटरिंग नेटवर्क है, हमारे डिफरेंट लैब्स हैं, 24 लेबोरेटरीज है पाकिस्तान में, हेड ऑफिस हमारे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 24 लेबोरेटरीज, ये बहुत ही आदमी है ठीक है। तो उसमें ये कि हमारा जो नेटवर्क है ना, किसी डब्ल्यूआर के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, हमारी रीजनल लैब्स हैं और फिर हम इसी तरह से हमारी डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज हैं, तो उन जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उसमें हम नेशनल लेवल पे भी ड्रिंकिंग वाटर की एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं ठीक है। और हमने राइट फ्रॉम 2001 से हमने पाकिस्तान के होता था ये सिलेक्टिव है, यानी सारे डिस्ट्रिक्ट तो कवर नहीं होता, हमने 24 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। बहुत कम सिटीज हैं जैसे इसमें पिंडी इस्लामाबाद में हम रावल डैम या सिमली डैम, खानपुर डैम का पानी सरफेस वाटर कुछ हम करते हैं, या हैदराबाद या कराची में कुछ सरफेस वाटर को जो ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज ग्राउंड वाटर सोर्सेज भी हैं। इवन जो वाटर सप्लाई स्कीम्स लगाई हुई है तो ग्राउंड वाटर के ऊपर ही लगाई हुई है, हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसमें वासला है, पीएचईडी वगैरह हैं जो काम करते हैं डिफरेंट प्रोविंसेज में, और इसी तरह से जो प्राइवेट सोर्सेज हैं लोगों ने हैंडपम्प लगाए हैं, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैं, वो भी जो है वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज के ऊपर ही जाता है। तो फिर उनको ज्यादातर ग्राउंड वाटर सोर्सेज थे, उनको मॉनिटर किया तो उसमें ये था। फिर उसके बाद हम रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमारी लेटेस्ट जो 2015-16 की रिपोर्ट है उसमें हमने जो मॉनिटर किया ये सारे प्रोविंसेस को, तो उसमें हमारा जो फिगर आई है वो उसमें 31% सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, और भी हमारा जो है मोर देन 69% जो है वो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है। मीन कि आप अगर 2005 को देखें और 2015 में देखें, आफ्टर 10 ईयर हमें अबाउट 15% तक इम्प्रूवमेंट हुई है। मीन पहले 15% सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था, अभी 31% तक अवेलेबल है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और उसमें अभी जैसे एसडीजी के ऊपर काफी काम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उससे काम हो रहा है। गोल 6 जो है वो उसमें ड्रिंकिंग वाटर वाटर से रिलेटेड है, और उसमें 6.1 और 6.2 ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड है राइट। तो उसमें उसकी बेस लाइन आप बताओ, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर है और पाकिस्तान को एक डाटा प्रोवाइड करना होता है, एक बेस लाइन प्रोवाइड करनी है कि अभी हम कहां पे स्टैंड करते हैं, और क्योंकि वो 2030 तक हमने उसको टारगेट करना है, कंप्लीट करना है, तो 2030 के टारगेट को कैसे हम मीट करेंगे। तो फिर हमारा ये डाटा जो है उसको उसकी कंट्रीब्यूशन थी, और उसमें जो है बेस लाइन जो पाकिस्तान की अभी बनी है, जो हमने इंटरनेशनली रिपोर्ट किया है, उसमें है कि 36% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान। काउंसिल ऑफ रिसर्च की जानी से डाटा आपको मिलता है, आप लोग फिर मजीद उसको फिर डाटा ये जो है वो DCRWR ने जो डाटा जनरेट किया ना, हम मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे पास डाटा होता है, हम तो उसको डिसमिनेट करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं ना, जितने प्रोविंसेस के चीफ सेक्रेटरीज हैं या प्रोविंसेस को भी देते हैं, क्योंकि एटीन अमेंडमेंट तो प्रोविंसेस का काम है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। आप ये कह रही है कि जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 2005 से लेकर अब तक देखें तो काफी बेहतरी हमें नजर आई है, हम काफी बेहतरी इसको नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ 15% तक अगर 10 सालों में हमने इम्प्रूवमेंट की है, तो 2030 में हमने हम कहते हैं कि 100% पॉपुलेशन को हमने सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, तो अगर हम इसी पेस से चलते रहे तो हम तो जो है वो 50% तक भी मुश्किल से पहुंचेंगे। तो इसमें ये सवाल है कि पता नहीं क्यों जो एक हमारा मुकर्रा वक्त होता है उस पर हम काम कर नहीं पाते, अगर सिर्फ 15% अब तक 10 साल में हमने बेहतर किया है तो बाकी तो फिर आगे बहुत लंबा समय है जो हमें अभी तय करना है, और अल्लाह करे कि हम तय कर पाए। बहरहाल बोटल वाटर का जो आप जी उसके आप कमेंट कर लीजिएगा, फिर मैं ऑडियंस की तरफ जाती हूँ। बोटल वाटर का है, हम बोटल वाटर की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमने 2005 में ऑन द डायरेक्टिव ऑफ कैबिनेट डिवीजन जो हमारी मिनिस्ट्री को मिला, और DCRWR 2005 से क्वार्टरली मॉनिटर कर रहे हैं, साल में हमारी चार रिपोर्टें जो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हम पाकिस्तान से बोटल वाटर को कलेक्ट करते हैं, हम जो है मार्केट से उठाते हैं जो कि कंज्यूमर तक कैसा पानी पहुंच रहा है, तो हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसको सील करके हम वहां पे जो शॉपकीपर है उसके पास भी रखते हैं, अपने पास भी स्टोर होता है कि कहीं पे कोई, क्योंकि बार दफा ऐसा भी हुआ कोर्ट में लोग चले गए कि जी ये पानी ठीक नहीं है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब ठीक है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, तो वो हम बोटल वाटर कलेक्ट करके हम नेशनल वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी जो इस्लामाबाद में है वहीं पे हम सारे वो वाटर टेस्ट करते हैं, हमारी रीजनल लैब्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी जो है उसको कलेक्ट करके,
तो वो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और क्वार्टरली हमारी रिपोर्ट आती है जिसमें हम सारी ब्रांड्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसमें अक्सर तो ऐसी होती है कि वो एड्रेसेस वगैरह नहीं है या बिल्कुल लाइसेंस उनका नहीं होता। ठीक है, कोई एग्जाम आप भी कर सकते हैं आप लोग कि अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा कहीं पर, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं तो उनको जहां पर ये पानी प्रोक किया जा रहा है फील कर सकते हैं। उसमें ये है कि हम तो मॉनिटरिंग करते हैं और हम रिपोर्ट देते हैं, तो हमारी ही मिनिस्ट्री में जैसे पाकिस्तान पीएसक्यूसी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, वो बोटल वाटर की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो वो लाइसेंस भी वही देते हैं और उसको हम उनके पास रिपोर्ट रिपोर्ट आपकी तरफ से जाएगी और उसके बाद फिर कोई उनको सील कर सकते हैं उनको। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर इन्होंने हमें बताया और हमारे जो पैनलिस्ट थे उनसे हमने गुफ्तगू की। आज का जो मौजू है उसके हवाले से उसकी जो अहमियत है वो वाजे हो गई है। ऑडियंस हमारे साथ जो मौजूद है स्टूडेंट्स के, मैं चाहूंगी कि सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, अगर कोई कमेंट करना चाहें या आपकी तरफ से कोई तजवीज़ है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं, उनके सवाल शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से आगाज करेंगे। बरकतों के महीने में साथ निभाते चलो, थोड़ा सा तुम भी हाथ बटाते चलो, मिल बांट के मेहनत करने में है जो मजा, उसका लुत्फ उठाते चलो। जिन लम्हों में फंसता है भरोसे का एहसास, उन लम्हों को खास बनाते चलो, माहे रमजान के इन लम्हों में भरोसे का साथ। तारीख में नहीं मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करने करना हो। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। प्रोग्राम में एक मिनट पर फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और वाटर सिक्योरिटी के हवाले से नाज़रीन आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारी जो बातचीत हुई अपने पैनलिस्ट के साथ वो आपने सुनी। अब मैं चाहूंगी कि हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं और रिफा यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, उनके भी मैं चाहूंगी कि सवालात के उनके कमेंट्स हैं वो हम शामिल करें। आप सबको भी हम वेलकम करते हैं। यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं डॉक्टर राशिद आफताब साहब मौजूद हैं और चूंकि डायरेक्टर हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिफा इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है, तो वाटर के हवाले से जो काम ये कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा आप जो अहम पॉइंट्स आप चाहते हैं जो हाईलाइट करना चाहिए और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं उस पर भी बात कीजिएगा, और कोई सवाल अगर आपके माइंड में है तो मैं चाहूंगी कि जरूर आप। हम लोगों ने इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी की और ट्रांसबॉर्डरी के ऊपर जो है एक मुख्तलिफ नेशनल सेमिनार्स किए, नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स किए और उसकी ना अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन। एक जो मैं कमेंट करूंगा रिगार्डिंग वाटर सिक्योरिटी के रेफरेंस से और वो सप्लीमेंट होगा डॉक्टर अशरफ के कमेंट से। नो डाउट नेशनल वाटर पॉलिसी हमारे पास इस टाइम जो मौजूद है 2018 के अंदर और जहां पर रोल भी डिफाइन हुए हैं 18 अमेंडमेंट के बाद किसने क्या करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग द स्टोरेज कैपेसिटी। प्रोविंसेस का बहुत सीरियस काम है, प्रोविंसेस ने जो ना अपना लॉसेस को कंट्रोल करना है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर फर्स्ट करें हम भाषा डैम बनाते हैं तो उसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी 6.4 मिलियन एकड़ फीट है, उसके साथ प्राइस टैग्स 15 बिलियन यूएस डॉलर है। और जबकि आप लॉसेस की तरफ जाएं, डॉक्टर साहब ने कहा 66 मिलियन एकर फीट और इवन 50 मिलियन एकर फीट भी अगर लॉसेज हैं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेज एंड थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ द डॉलर वैल्यू और द रुपी वैल्यू। तो और जिसको लॉसेज को कम करना वो 1/5 कॉस्ट आती है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द डैम। एक तो वो और सेकंड ऑब्वियसली वी हैव टू बिल्ड अवर स्टोरेज कैपेसिटी। आप ये सोचें कि काला बाग नाट बनाने की कितनी बड़ी कॉस्ट हम पे कर चुके, जबकि हम जो है ना जो आईपीपी बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो 14 रुपए पर यूनिट है, जो हाइड्रो एनर्जी है वो 2 रुपए पर यूनिट है। तो जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ डॉट बिल्डिंग का
कालाबाग डैम बिलियंस ऑफ यूनिट्स जो है ना हमने वो लॉस किए हैं और जो है ना उसको मल्टीप्लाई करें तो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसी तरह हमारी इंडिया के साथ क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है और वहां पे हमें सीरियस चैलेंजेस हैं टू ऑपरेशनलाइज दैट ट्रीटी और जिसके बारे में आप मुख्तलिफ अखबारों में भी आता होगा नो डाउट जो मैकेनिज्म उसमें गिवन है इट्स अ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म थ्री टियर सिस्टम वहां पे मौजूद है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है एट द थ्री लेवल्स। कुछ और लोग भी मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि माइक उनको दे दीजिएगा, कुछ सवाल करना चाहते हैं सर या कॉमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज। कमेंट तो ये है कि मुसलमानों के लिए जो मशाल रहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दरिया के किनारे पे भी बैठे हुए हो तो पानी को जाया मत करो, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे रवैये हैं वो ये है कि हम टूटी खोल के जैसे हसन साहब ने भी बताया ये हमारी सबकी आदत है। अगर आज से हम यही तय कर लें कि अपने घरों में पानी बचाएंगे तो पहली चीज तो ये काम है। डॉक्टर साहब मैं गाँव से हूँ और ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे धान बोया जाता है और मैं ये जानता हूँ कि कई दिनों तक पानी जो है वो खेतों में खड़ा रहता है और बचपन से हमने यही देखा है कि धान की फसल को उसी तरीके से उगाया जाता है, क्या उसमें पानी सेव करने का कोई तरीका भी है? जी मेरा नाम डॉक्टर नवार है और मेरा सवाल टेक्निकल होगा मैडम सहका से और डॉक्टर अशरफ साहब से बिकॉज माई फील्ड इज टीकेएम टोटोपॉली मैनेजमेंट एंड स्पेशली आई विल टॉक ऑफ क्या आपके लैब्स जितने भी हैं क्या वो 17025 सर्टिफाइड बाय सेल्फ है करें, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि क्या आईएसओ 50000 जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम नया है आर यू वर्किंग ऑन दैट वन, इन दो छोटे छोटे सवाल। और सवाल आप हम ले लेते हैं। आपने कहा जो घर में पानी आता है वो बहुत प्रीशियस वाटर है और वो मतलब हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, तो हम मैं दूर की बात नहीं करता, आप अंदरूनी पिंडी चले जाएं तो वहां पर सैवरेज वाटर और पीने घर टैप वाटर में फर्क पता नहीं लगता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो प्रीशियस वाटर पीने के इस्तेमाल? मेरा सवाल ये है कि हम वाटर कंजर्वेशन की बात तो बार बार करते हैं लेकिन वाटर रिसाइकल करने के लिए हमारे पास क्या क्या मंसूबे मौजूद हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर नजम है और मेरा सवाल ये है कि मैंने 2009 में कुछ पॉलिसीज पे काम किया था और मैं इस नतीजे तक पहुंची थी कि पॉलिसीज हमारी बहुत अच्छी हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी पॉलिसी बताई, चारों पॉइंट्स इतने अच्छे थे कि दिल खुश हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, कोई पॉलिटिकल विल शामिल होगी? क्योंकि जिस तरह से साइका साहिबा ने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो रिपोर्ट जाती है, सो 2030 तक या 2025 तक जो हमने काम करना है वो स्टेप वाइज कैसे करना है या एक्शन में कैसे लाना है, हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या कोई ऐसी भी पॉलिसी बन सकती है या बनी है? पॉलिसी के ऊपर कोई और पॉलिसी जरूरी है? बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, बहुत अच्छे सवाल ऑडियंस की तरफ से आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके जो हमारे पैनलिस्ट हैं अगर उनको वन बाय वन सब रिस्पॉन्ड करना चाहें, सर पहले आपकी तरफ आती हूँ, सर साहब की तरफ जो सवाल इन्होंने किए ओवरऑल जो कमेंट्स भी आए तो मैं चाहूंगी कि उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी मेरी गुजारिश ये है कि नेचुरली पॉलिसी पे एक और पॉलिसी फिर एक और पॉलिसी तो शायद इतना अकलमंदाना रवैया नहीं होगा। अब पॉलिसी पे अमल करना और अमल करवाना हुकूमत पाकिस्तान का काम है और अवाम होने के नाते से मैं ये समझता हूं और पहले भी हमने ये बात की कि इलेक्शन का जमाना करीब है, आप अपना वोट उन लोगों को दें जो पाकिस्तान के मसाइल से अवेयर हो और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हो। मेरी गुजारिश है कि आप अपने एमएलए एमपीए से पूछें कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की वाटर पॉलिसी क्या है, आप पाकिस्तान के लिए जो पानी के पीने का मसला है एग्रीकल्चर में पानी ना होने के बराबर बहुत कमी हो गई है उसमें, ये फूड सिक्योरिटी का इश्यू है, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का इसके बारे में क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है? तो ये सवाल तहजूद से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से ये क्वेश्चन पूछें और हमें फोर्स करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट्स को, अकाउंटेबल रखना चाहिए हमें अपनी गवर्नमेंट्स को कि वो इन इम्पॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर कॉम को डिलीवर करें। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने, हसन साहब ने। अभी मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मजीद साहब की तरफ चलते हैं, सर जो सवाल आता है। मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा, एक डॉक्टर नजम का सवाल अभी तक मुझे याद है कि पॉलिसी पे पॉलिसी नो पॉलिसी के ऊपर फिर एक्शन प्लान होता है
I don't know whether that action plan has, Rashad, if you can enlighten me, action plan bhi saath submit hua hai, nahi hua, aur uske approval hui hai, nahi hai. Aur uske liye again, Hasan Sahib ki baat hai, political will chahiye. Aur political will ke baad koi bhi action plan hai, bahala hai, bade khubsurat document ban jate hain, action plan ban jate hain, jiska bade khubsurat tarike se pesh kiya jata hai, ki this is the action that we want. So uske pehle ki amal daramad kaise hoga, aur wo jab tak political will nahi hogi. तो ये मैनिफेस्टोज की बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज के और वे वंस रनिंग ए प्रोग्राम ऑन मास अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट और उसके दौरान में हमने इस पे डिस्कशन भी की और ये भी देखा कि कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास ऐसा मैनिफेस्टो है जिसे वाटर कंजर्वेशन या वाटर के इश्यूज पे किया जाए वी कुड फाइंड नो वन एक्सेप्ट वन पार्टी घर में जब पानी आता है दो घंटे के लिए आप सीडीएस से आता है आप चुके इस्लामाबाद में दिल्ली में है तो आरडीए या सीडीएस जो पानी आता है वो दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए आता है आप अपने टंकियां फुल कर देते हैं नीचे पूरा खुला छोड़ देते हैं टंकी फुल जाए ऊपर अगर टाइम है ऊपर भी भर देते हैं हमाम घर में है तो वो भी भर देते हैं ताकि आप जब पानी नहीं आता तो उस शॉर्टफॉल को आप उसी पानी से बीच करें तो वाई नॉट स्टोरेज वाई नॉट दिस डॉक्टर शेख आपकी तरफ आते हैं सर बहुत सारे सवाल हैं वो आपसे पूछे गए हैं रिस्पॉन्ड कीजिएगा थैंक यू वेरी मच इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑडियंस है वो एक्टिव है और इस बात को अच्छी तरह समझती है पानी के मसाइल को सबसे पहला आपका क्वेश्चन था धान के बारे में राइस के बारे में कि राइस में पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है बेसिकली राइस के बारे में एक मिथ रही है और अभी भी कुछ एरिया में मिथ है मिथ ये है कि इट नीड्स स्टैंडिंग वाटर थ्रू आउट इट्स ग्रोइंग पीरियड और उस मिथ की वजह यह है कि ये जो राइस ओरिजिनली कल्टीवेट होता था उन एरियाज में होता था जहां पे बारिशें बहुत ज्यादा होती थी जहां पे कोई और फसल नहीं हो सकती थी तो वहां पे राइस ग्रो किया जाता था ठीक है कि सिर्फ वहां पे राइस हो सकता था लेकिन वो लोग जो जिन्होंने कभी बांग्लादेश में देखा जिन्होंने कभी फिलिपीन में देखा कि पानी खड़ा होता है पानी ड्रेन नहीं होता वहां पे और कोई फसल नहीं हो सकती तो जब वो उन्होंने नीचे आए प्लेन एरिया में आए तो उन्होंने वही प्रकार से काश शुरू की तो वही जो मिथ थी वो आइडिया जो था वो साथ लेके आए कि इट नीड स्टैंडिंग वाटर इट बेसिकली इट डज नॉट नीड स्टैंडिंग वाटर इट कैन गो इन द स्टैंडिंग वाटर ये थोड़ी डिफरेंस है जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके हमारे जो बेसिकली जो जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया ये समझने की जरूरत है ये बड़ी अहम बात बताई है डॉक्टर साहब ने उसमें बेसिकली ये है कि जैसे लाइक हमने जो इसके हमारे लाइसीमीटर है जिसके जरिए से आप एग्जैक्ट क्रॉप की जो है ना उसकी वाटर रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो हमने ये देखा है कि सिर्फ जो हमारा सेंट्रल पंजाब है उसमें जो राइस की वाटर रिक्वायरमेंट है वो 500 मिलीमीटर है सिंध में जाके क्योंकि वहां पे हाइपर क्लाइमेट होता है तो वहां पे ये 1200 मिलीमीटर हो जाती है तो पंजाब में हम जब कहते हैं 500 मिलीमीटर तो ये मोर और लेस ये बीच के बराबर होती है ठीक है तो इसको अगर हम स्टैंडिंग की बजाय जब इसको इसकी जरूरत के मुताबिक अगर हम पानी दें तो जो 2.2 मिलियन हेक्टेयर पर हम इसको करते हैं इरीगेट करते हैं तो हमने ये कैलकुलेट किया कि इससे आप 8 मिलियन एकड़ फीट पानी सेव कर सकते हैं 8 मिलियन एकड़ फीट समझ लो एक तरबेला के बराबर है इसका पानी और दूसरी इसको आप न सिर्फ ये है कि आप इसको किसी भी तरीके से इसको आप ग्रो कर सकते हैं आप इसको बेड प्लांटिंग के जरिए कर सकते हैं आप इसको स्प्रिंकलर के जरिए कर सकते हैं इवन आप चाहें तो डीप इरिगेशन के जरिए से कर सकते हैं तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमारा 60% पानी लॉस होता है उस लॉस होने में जो दो मेजर क्रॉप्स हैं जो फील्ड में जाकर लॉस होता है मेजर क्रॉप्स हैं राइस है जिसमें हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं और दूसरा शुगर केन है तो जो बहुत ज्यादा है इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने इसके पॉलिसी में भी है वैसे भी हम बार बार इसको डिबेट करते हैं डिसिमिनेट करते हैं कि ये जो क्रॉप है इनको सिर्फ उस एरिया के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि जहां पे पानी आपके पास वाफर मिकदार में है जहां पे सॉइल इसको सपोर्ट करती है जहां पे बारिश ज्यादा मिकदार में होती है और इसको सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस किया जाए जितनी आपकी जरूरत है इसके लिए आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहता है कि जब आप 1 किलोग्राम चावल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर 5 टन पानी सर्फ होता है 5 टन पानी सर्फ होता है ठीक है तो दूसरे लफ्जों में यह कह लिया ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जब हम 1 किलोग्राम को राइस को या फूड को जाया करते हैं तो वी आर वेस्टिंग 5 टन ऑफ वाटर
इसको अदर टर्म में ले लिए, जब हम एक किलोग्राम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ये एक्सपोर्टिंग 5 टन ऑफ वाटर, ठीक है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये राइस और शुगर केन जो है इसको आयुक्त तो आप रिस्ट्रिक्ट करें पर्टिकुलर एरिया के लिए जहां पे आपके पास वाफर मकदार पानी में मिले, और दूसरा ये सिर्फ आप अपने लिए इसको प्रोड्यूस करें, अपनी जरूरत के लिए इसको एक्सपोर्ट ना करें। तो जबकि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रेश वाटर, जिसको विचुअल वाटर, जिसको विचुअल वाटर कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एक वो बच्चे ने सवाल किया था पिंडी के हवाले से कि जी वहाँ पे सीवेज का पानी और पीने वाला पानी कहते हैं आप तमीजी कर सकते हैं। हाँ, वो बेसिकली इसकी वजह दी है कि जब आप साफ पानी को, मीठा पानी है ना, उसको आप जाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पानी चाहिए वजू के लिए, आपको हाफ लीटर पानी चाहिए, आप उसके लिए 10 लीटर यूज करते हैं। आपको नहाने के लिए आपको 5 लीटर पानी चाहिए, आप उसके लिए 50 लीटर यूज करते हैं। वो पानी कहाँ जाएगा? वो वापस में आपके सिस्टम में आएगा, वेस्ट वाटर की शक्ल में आपके सिस्टम में आएगा। आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हमारे हो नहीं रही। और नेचर का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो कुछ आप नेचर को दोगे नेचर वही आपको वापस करे। तो आपने चूंकि जो नेचर को गंदा पानी दिया है तो नेचर ने आपको वही पानी दे दिया। और 1 लीटर जो गंदा पानी है वो 8 लीटर फ्रेश वाटर को वो गंदा कर देता है। तो इसमें जरूरी है कि जब आप पानी को कंजर्व करते हैं तो एक साइड के ऊपर आप ना सिर्फ पानी को कंजर्व कर रहे होते हैं, ना सिर्फ एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आप उसकी जो लेबर कॉस्ट है उसको कंजर्व कर रहे होते हैं, आप उसके दूसरी तरफ वेस्ट वाटर को भी कम कर रहे होते हैं, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। तो उन कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए डॉक्टर ने जितने बड़ी बात की, आपने देखा होगा कि इन्होंने इको सिस्टम की बात की, एनवायरमेंट की बात की। अब वो पानी कहाँ जाता है? वो गंगा पानी कहाँ जाएगा? वेस्ट वाटर आपके सिस्टम में आएगा, आपके दरियाओं में जाएगा, आपके नदी नालों में जाएगा। तो नदी नाले जो किसके हैं? हमारे हैं। वहां पे हम सबसे बड़ी जो चीज है आपको एक्वाटिक लाइफ मिलती है, जो डॉक्टर साहब ने बायोडाइवर्सिटी की बात की। हमने रिसर्च किया रिसेंटली दरिया रावी और सतलुज के बारे में, क्योंकि वहां कोई फ्लो कम आता है इंडियन साइड की वजह से, पानी कम आता है। तो लो फ्लो पीरियड में रावी और सतलुज में लिटरली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो जीरो पे चला जाता है, ठीक है। तो जीरो का मतलब है कि वहां पे कोई आदि मखलूक जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है। तो जब हम वेस्ट वाटर को इस तरह से फ्रेश वाटर देंगे तो ये ना तो रिसोर्सेज का एक तरफ गया है, दूसरी तरफ ये वेस्ट वाटर को बढ़ाता है, जिसको मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात जो है, जब हमारा जो साइकिल है कि हमारा 90% से ज्यादा पीने का पानी जमीन से आता है। अब जमीन से पानी कहां से आता है? ये वो पानी है जिसको हमारा सरफेस वाटर रिचार्ज करता है, ये हमारे नदी नालों से रिचार्ज होता है, ये हमारे कनाल से रिचार्ज होता है। जो हम पानी उसको जब गंदा देंगे तो गंदा ही बेसिकली हम वापस पंप करेंगे उसको। हमारे पास भाषा के ऊपर जो एवरेज फ्लो है वो 50 मिलियन एकड़ है भाषा के ऊपर। जब आप तरबेला पे आते हैं तो तरबेला में हमारे पास जो एवरेज एनुअल फ्लो है वो 60 मिलियन एकड़ फिट है। जब आप डाउन स्ट्रीम ऑफ तरबेला आते हैं तो आप जनाब बराज पे पहुंच जाते हैं, जिसके जहां पे कालाबाग मुकाम है जनाब बराज पे, वहां पे जो आपके पास टोटल एवरेज एनुअल फ्लो है वो 90 मिलियन एकड़ फिट है। इसका मतलब हुआ है कि तरबेला और जनाब बराज के दरमियान आपके पास 30 मिलियन एकड़ फिट का पानी आया, जिसमें से 21 मिलियन एकड़ फीट जो है वो आपका काबुल रिवर से आया और बाकी आपका सवा से हर से ये होता हुआ सारा चला गया। अब वो 30 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बेसिकली आपके पास इश्यू है स्टोर करने का, क्योंकि ये वो पानी है जो साल के सिर्फ 3 से 4 महीनों में आपके पास आता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने कहा अगर आप इसको स्टोर नहीं करेंगे पानी को तो वो पानी अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? तो ये जो डैम होते हैं बेसिकली ये पानी पीते नहीं है, ये पानी को रेगुलेट करते हैं। आपने डेल्टा में पानी देना है, आपने मैनग्रोव को पानी देना है, लेकिन पानी आपने सिर्फ 1 महीने में तो नहीं देना, आपको तो पूरे साल के लिए पानी चाहिए। तो पानी आप साल के लिए उसी सूरत में दे सकते हैं जब आपके पास एक रेगुलेटर होगा। तो पहली तो ये बात है कि ये वहां पे आपके पास एक पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो कंजर्व करने का वो आपके पास उसी जगह के ऊपर है, ठीक है। सही साइट इमरान साहब, आपसे भी इन्होंने सवाल किया था, एक टेक्निकल क्वेश्चन था, इन्होंने रेफर किया जी। इन्होंने पूछा कि हमारी जो लेबोरेटरी है वही 170025 ISO 50000 पे तो नहीं है हमारी लैब का है, लेकिन ISO 17025, ठीक है जी। बाकी जो यही डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो कह रहे हैं कि वेस्ट वाटर पिंडी सामवाद में जो है वो वेस्ट वाटर है, तो उसकी रीजन यही है कि हमारे पास जो है, जब वाटर और सैनिटेशन पे बात होती है तो सैनिटेशन
सेफ वाटर मैनेजमेंट और सेफ सैनिटेशन मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है. अगर हम एसटीजी की बात करें तो जो हमने बेस लाइन दी है सैनिटेशन की वो 0% है. मीन के हम जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारे पास 0% है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, और सैनिटेशन जो है वो भी 0%. जो सीवेज वाटर है या जो हाउस होल्ड लेवल पे है या ओपन डेफिकेशन है, उसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है वो कंटामिनेट हो रहे हैं पेरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम जितना भी म्यूनिसिपल वाटर है और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है वो हम अपनी सरफेस वाटर बॉडीज में फेंक रहे हैं, और वो जो है वो रिचार्ज हमारे ग्राउंड वाटर को भी खराब कर रहे हैं और सरफेस वाटर को भी. और दूसरा ये कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा बार दफा ये होता है कि सोर्स पे तो हमारा वाटर जो है वो सेफ है, क्योंकि पीछे रबिया ने मोर देन 10,000 वाटर सप्लाई स्कीम ऑल ओवर द कंट्री हमारे पास प्रोजेक्ट था जो उसमें हमने मॉनिटर किया, उसमें तो उसमें हमने सोर्स को भी मॉनिटर किया और कंज्यूमर एंड पे हमने टू कंज्यूमर एंड को मॉनिटर किया, यानी जहां से वाटर सप्लाई हो रहा है लेकिन कंज्यूमर एंड पे जाके वो अनसेफ है. ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, जो हमारी वाटर सप्लाई लाइन्स हैं वो ओल्ड डेटेड है और वो डैमेज्ड है, उनकी रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस पे काम नहीं हो रहा, तो उस वजह से क्योंकि 24 आवर तो हमारी वाटर सप्लाई नहीं होती, इंटरमीडिएट है, और जब हम उसको स्टॉप करते हैं तो बाय से सी और सीवेज पाइपलाइन और हमारी वाटर सप्लाई पाइपलाइन करीब है, उसके लिए जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं किया. ठीक है, वक्त खत्म हो गया. साहिब इमरान साहब बता रही थी डिटेल में बड़ा टेक्निकली कि ये किस तरह से सारा प्रोसीजर होता है. हसन मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, सायका इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थी आज के पैनल में. और स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन और बड़े अच्छे सवालात जो थे वो हमें मिले, और कोशिश की हमारे पैनलिस्ट ने कि आपको सेटिस्फाई किया जा सके. बहुत अहम ये मौजू था और बहुत अहम मसला है वाटर सिक्योरिटी का, जिस पर हमने कोशिश की कि आज बात करें और जो अहम निकात हैं उनको हम सामने लेकर आएं. हमारे इस वक्त मसाइल हैं क्या, हम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और किस तरह से इन मसाइल से हमने बाहर निकलना है, और खास तौर पर अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो नौजवान हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, और इस हरावल दस्ते को हमने किस तरह मेन स्ट्रीम में लेकर आना है और किस तरह इन्हें अपने साथ शामिल करना है ताकि इस तरह के जो अहम मौजूद हैं इनमें इनको शामिल किया जा सके. नाज़रीन बहरहाल हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में, लेकिन हमारी ये जो अगला प्रोग्राम है अगला एपिसोड भी इसी पर बेस करेगा. आज हमने मसाइल के हवाले से बात की है, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि इसके मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम क्या इकदाम उठा सकते हैं पाकिस्तान में कि इन मसाइल को हल करने में हमें मदद मिले, और बहसे पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में. अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा. आज के प्रोग्राम से मैं ही तो अभी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.